नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल तो पूछेंगे और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। शहडोल का जिला अस्पताल सुर्खियों में छाया हुआ है क्योंकि यहां लगातार मासूम बच्चों की मौत हो रही है। जवाब किसी के पास नहीं कि आखिर ये सिलसिला क्यों नहीं थम रहा। वजह निमोनिया है या कुछ और, ये भी अब तक साफ नहीं हुआ। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर कम से कम शहडोल जिला अस्पताल की पोल खोल दी। उधर लगे हाथ कमेटी एक्सपर्ट पूर्व सीएम कमलनाथ ने फिर एक जांच दल का गठन कर दिया है जो शहडोल जाकर इस मामले की जांच करेगी। तो क्या अब मासूमों की मौत पर सियासत शुरू हो गई है? आखिर क्यों मासूम बच्चों की हिफाजत करने में स्वास्थ्य महकमा नाकाम साबित हो रहा है? क्या वाकई ठंड की वजह से ये मौतें हो रही हैं? क्योंकि इसी साल जनवरी में भी ये मौतों का सिलसिला शुरू हुआ था। सवाल कई हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। शहडोल जिला अस्पताल में 6 दिन में 11 बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। तमाम दावों के बावजूद यहां हालात काबू में नहीं हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों की मौत की वजह निमोनिया है, लेकिन कुछ मामलों में बच्चे बेहद कमजोर भी थे, जिससे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। इससे पहले जबलपुर से पहुंची टीम ने मेडिकल स्टाफ को क्लीन चिट दी थी। तो आखिर बच्चों की मौत की वजह है क्या? ये बच्चे वो थे, कम वजन के बच्चे थे, 600 ग्राम का बच्चा था और एक 11 दिन का बच्चा वहाँ से डिंडोरी से गंभीर अवस्था में लाया गया था। इन दोनों ही बच्चों को बचाना संभव था ही नहीं और इस प्रकार से ये उसकी क्रिटिकल केयर यूनिट की अनिवार्य डेथ थी है। उधर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने शहडोल की घटना पर संज्ञान लेते हुए कहा कि वहाँ मासूमों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि जब निमोनिया सर्दी के जो मौसम आता है उस समय निमोनिया के केस बढ़ी जाते हैं, तो उस वजह से जो लेट अगर इन्फॉर्मेशन होती है, अस्पताल में आए, अस्पताल में डॉक्टरों ने पूरा बचाने का प्रयास किया, उसके बाद भी बच्चे नहीं बच पाए हैं और उनका प्रॉपर इलाज हो इस और उनका इलाज किया गया है, इलाज में कहीं कोई लापरवाही नहीं बरती। इधर कांग्रेस को सियासत का एक और मौका मिल गया, लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की तरफ से 2 विधायकों समेत 4 सदस्यीय जांच दल बनाया जो वहां जाकर पीड़ित पक्ष से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपेगी। कमलनाथ ने कहा कि सरकार का रवैया इस मामले में उदासीन है। 5 दिन पहले भेजे गए जांच दल के नाम पर केवल खाना पूर्ति की गई। आपको बताएं कि जनवरी 2020 में भी इसी अस्पताल में एक साथ 8 बच्चों की मौत हुई थी। तब भी बच्चों की मौत के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाने की बात कही थी, लेकिन अगर आदेशों को गंभीरता से लिया जाता तो मासूमों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। शहडोल मामले पर सियासत करने का एक और मौका कांग्रेस को मिल गया है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक जांच कमेटी भी बिठा दी है। खैर, इन कमेटियों का कोई खास असर देखने को मिला नहीं है, लेकिन इन मामलों पर सरकार को स्ट्रिक्ट होना होगा और गंभीरता से लेते हुए इन मामलों पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि ऐसी स्वास्थ्य संबंधित संवेदनशील समस्याएं जो हैं ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मीडिया जर्नलिस्ट दीपांशु सिंह के साथ मैं अन्य चतुर्वेदी, डीएनएन न्यूज भोपाल। तो एक तरफ शहडोल जिला अस्पताल में मासूमों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा और उस पर अब सियासत भी शुरू हो गई क्योंकि कांग्रेस ने कमेटी बना दी है और जो जांच करने शहडोल जिला अस्पताल जाएगी। बहरहाल, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक बहुत खास पैनल है इस चर्चा में शामिल, उनका पहले परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और विधायक हरिशंकर खटीक जी हमारे साथ में। हरिशंकर जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक और इस कमेटी के एक सदस्य सुनील सराफ जी हमारे साथ में। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी भी हैं, आपका स्वागत करते हुए। पहला सवाल हरिशंकर जी आपसे ही, क्या वजह है आखिर ये शहडोल जिला अस्पताल में क्यों लगातार बच्चों की मौत हो रही है? एक कारण भी सामने नहीं आ रहा है। कारण बताए जा रहे हैं लेकिन वो अलग अलग, और वो भी पूरे भरोसे के साथ नहीं। कोई कह रहा निमोनिया की वजह से, कोई कह रहा कम कुपोषण की वजह से कम वजन था, या फिर कोई कह रहा बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई थी और आए बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में थे। हरिशंकर जी, क्या जवाब है? सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं, जो बच्चों की मौत हो रही है, मौत पे ये रोटी सेंकने का काम जो हमारे कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं, वो रोटी सेंकना सबसे पहले बंद कर दें। चाहे बच्चों की जो मौत है वो निमोनिया के कारण भी हो सकती है, कमजोर होने के कारण भी हो सकती है, क्योंकि वो शहडोल जिला का जैसा या फिर वहाँ का जो मौसम होगा उसके आधार पर भी हो सकती है। लेकिन सरकार हर प्रकार से चिंता करती है। हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा समय समय पर बैठकें भी ले रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री सम्मानीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी भी बैठक लेके अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश देते हैं, चाहे वो सीएमएच हो चाहे सिविल सर्जन हो, हर प्रकार से कि व्यवस्थाओं में ठीक हो, व्यवस्थाओं में सुधार हो, दिन प्रतिदिन सुधार भी हो रहा है।
अब रही इस बात की कि कांग्रेस के मित्र हमारे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की कमेटी गठित करेंगे, उनको तो सिर्फ क्या चाहिए, लेकिन उनका एक सोल्यूशन भी होना चाहिए। उनके कार्यकाल में भी मौतें हुई होंगी बच्चों की, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जो चिकित्सक है वो अपने भरसक प्रयास करते हैं कि जो बीमार है, चाहे वो छोटा बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, कि हर प्रकार से स्वस्थ रहे। और इसके लिए हर प्रकार से सरकार के द्वारा दवाई देने का भी प्रावधान किया जा रहा है, सब चीजें देखी जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि व्यक्तिगत तौर पर किसी को टारगेट बना करके या सरकार को टारगेट बना करके। हम लोगों ने कभी टारगेट किसी को नहीं बनाया। चिकित्सक हमेशा भगवान का रूप होता है, हमेशा इलाज करता है और हर प्रकार से इलाज की जिम्मेवारी भी लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों की मौत को लेकर के जो रोटियां कांग्रेस के हमारे सेंकड़े हैं, सबसे पहले हमारा उनसे अनुरोध है कि वो इस प्रकार से वार्तालाप ना करें जिससे वातावरण खराब हो। बच्चे बिल्कुल जवाब लूंगा रिशंकर जी, लेकिन एक छोटा सा सवाल और। 6 दिन में 11 बच्चों की मौतें और अभी भी ये सिलसिला नहीं थम रहा है। सबसे शर्मनाक रवैया आज सामने आया है अस्पताल प्रबंधन का कि एक मासूम बच्ची का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। एक जो बच्चे के यहाँ पर जो झोपड़ी में रहता था उस पर तो कई सवाल खड़े हो सकते हैं कि आखिर वो ठंड की वजह से अगर हुई भी मौत तो फिर वो स्कीम्स का क्या हुआ जिसमें गरीबों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं। खैर, लेकिन वो 300 रुपये उसके घर में थे और उन्हें दवाई बाहर से लाने को कहा गया, तो फिर कैसी स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं? तो सरकार ने आयुष्मान भारत के माध्यम से हो, चाहे मध्य राज्य बीमारी सहायता कोष के माध्यम से हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर जो कार्ड बनता है उसके माध्यम से हो, सरकार ने हर प्रकार से चिंता जाहिर की और सबको निर्देश भी दिया है कि दवाइयां हर प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में अस्पताल में निःशुल्क मिलना चाहिए। फिर भी कई दवाइयां ऐसी होती है कि जो ठीक ढंग से उसका इलाज अगर माने दवाई दी जाती है लेकिन आराम नहीं होता, तो कई ऐसी भी दवाइयां होती है कि लोग एक आध दवाई ऐसी जो मेडिकल स्टोर पर भी लिख के दे दी जाती है, लेकिन उसके आधार पर अगर डॉक्टर भरसक प्रयास करता है कि हमारा मरीज ठीक होना चाहिए और हर प्रकार से जिम्मेवारी के साथ काम भी करता है। अब रही बात ये कि वहाँ शेड्यूल का वातावरण कैसा है, वहाँ ठंडी का कारण है, कैसा मौसम है वहाँ का, ये तो वहाँ के लोग शेड्यूल के हमारे भाई लोग भी बता सकते हैं कि कैसे वहाँ की स्थिति है, किस कारण से ऐसी बात हुई है। लेकिन ऐसी चीजों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को जानकारी हुई होगी, स्वास्थ्य मंत्री को भी जानकारी हुई होगी, तत्काल निर्देशित भी उन्होंने कर दिया होगा कि घटना की पुनरावृत्ति ना हो। बच्चा किसी के गरीब परिवार का हो चाहे अमीर परिवार का, आखिर बेटा बेटे ही है, बेटे बेटी बेटी है, तो इस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी का भी भेदभाव नहीं रखते। हर गरीब वर्ग के लिए तो हमेशा तत्पर रहते हैं कि उसका इलाज निःशुल्क होना चाहिए, इसकी वो हमेशा चिंता करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हरिशंकर जी क्योंकि सीएम शिवराज संवेदनशील शख्सियत है, तो ऐसे में ये जो 6 दिन में 11 बच्चों की मौत हुई है ये इसीलिए अपने आप में कई सवाल खड़े करती घटना। लेकिन हम सुनील जी के पास चलेंगे। सुनील जी, एक तो हरिशंकर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस इन मौतों पर अपनी सियासी रोटियां सेकना बंद करे, दूसरा आखिर ये जो आपकी कमेटी है कैसे काम करेगी? आदरणीय खटीक जी, अभी कांग्रेस ने 6 दिन में 11 बच्चों की मौत हुई, दुखद देखिए, इसमें आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी दल हो, राजनीति नहीं करना चाहिए, बहुत दुख का विषय है। जिसके भी घर का चिराग बुझा है हमें उसके साथ सहानुभूति होनी चाहिए, साथ ही हमारा जो सिस्टम ऐसा क्यों हो रहा है उस पर पक्ष और विपक्ष मिलके उसमें विचार करें और आगे ऐसी गलती ना हो। आज कांग्रेस ने 11 बच्चों की मौत पर कांग्रेस ने जांच दल बना दिया तो राजनीति में रोटी सेकना हुआ। पिछले जनवरी को 6 बच्चों की मौत हुई थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, आपने तमाशा किया था, भाजपा ने तमाशा किया था, वो राजनीति नहीं थी। विपक्ष तो सवाल उठाएगा, आपकी व्यवस्था है कि कैसे 6 दिन में 11 बच्चों की मौत हो गई, विपक्ष सवाल उठाएगा। और अब विपक्ष को, कांग्रेस को या कमलनाथ जी को ग्राउंड की रिपोर्ट चाहिए कि उसमें राजनीति कहां हो गई। राजनीति तो आप लोगों ने किया था जब जनवरी 2020 में 6 बच्चों की मृत्यु हुई थी, दुखद मृत्यु हुई थी। उस समय हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने तत्काल कमलेश्वर पटेल पंचायत मंत्री को भेजा, दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जी को, स्वास्थ्य सचिव, प्रमुख सचिव पल्लवी जोशी जी को, प्रभारी मंत्री ओमकार मरकाम को और मुझे स्वयं उन्होंने भेजा। वहां पर हम लोगों ने तुरंत प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर सिविल सर्जन और सीएमएचओ को पद से हटा दिया था इमीडिएट, क्योंकि तुरंत कार्यवाही जरूरी थी, तब बाकी अमला जाकर के थोड़ा चुस्त दुरुस्त हुआ था। और उस समय भी राजनीति आपकी पार्टी ने किया था, आपके भाजपा के विधायक जयसिंह मरावी 50 लोगों को लेकर के आके वहां पर मंत्री का मुर्दाबाद कर रहे थे। ये रोटी सेकना होता है, हमने ऐसी कोई रोटी नहीं सेकी। हम तो ये कह रहे हैं कि व्यवस्था में कहां गड़बड़ है। आदरणीय खटीक जी, आप मंत्री रहे हैं, बहुत अनुभवी है, 2020 जनवरी में जिस सीएमएचओ को
छह बच्चों की मौत का प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पे पद से हटा दिया गया था। आपकी सरकार आने के बाद आप उसे वापस सीएमएचओ बना देते। पहले दिन जब छह बच्चों की मौत हुई, आपकी सरकार, आपका कलेक्टर, आपका कमिश्नर, आपका स्वास्थ्य हमला, कोई फर्क नहीं किसी को कि आप तत्काल जबलपुर से टीम भेज दो, यदि आपके यहाँ डॉक्टर नहीं है कहीं से बाहर से भेज दो कि अगली मौत ना होने पाए। दो दिन बाद फिर दो बच्चों की मौत हुई, फिर दो बच्चों की मौत हुई, फिर दो बच्चों की मौत हुई, लगातार बच्चों की मौत हो जा रही है। आप कह रहे कांग्रेस में, कब तक कांग्रेस के नाम पे रोते रहेंगे आप लोग? आपको जनादेश मिला है, आप जवाब दें। आप जवाब से कांग्रेस के नाम लेकर जवाब से नहीं पीछे हट सकते। आप जवाब दीजिए कि आपकी व्यवस्था में कहां गड़बड़ी है। आपके स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं? 11 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य मंत्री कहां है? आपके स्वास्थ्य सचिव कहां है? क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कि आप जनता को यह बताइए टीवी चैनल के माध्यम से। आप कांग्रेस की बात मत करिए, कांग्रेस अपना काम करेगी। अगर आप न्याय नहीं करेंगे और फर्क उतर के विरोध करेंगे। चलिए, ये इस पर आप हरिशंकर जी का कमेंट देखिए। हरिशंकर जी वो कह रहे हैं कि जब जनवरी में ऐसी घटना हुई थी आपने भी सियासत की थी और ये विपक्ष का काम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने तो इतनी कार्रवाई की थी, 11 बच्चों की मौत के बावजूद अगर स्वास्थ्य मंत्री वहां का दौरा नहीं कर रहे हैं या फिर आप आला अफसरों की टीम भोपाल से नहीं भेज रहे, कम से कम वस्तु स्थिति तो पता चले, वरना ठंड तो पूरे प्रदेश में पड़ रही है सर, आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है ना, कुपोषित बच्चे पूरे प्रदेश में होते हैं, फिर अकेले शहडोल जिला अस्पताल में ये आंकड़े क्यों सामने आ रहे हैं? हरिशंकर जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमें अभी डिबेट की जानकारी दी कि आपको बोलना है, ऐसी स्थिति है, तो इसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं कि हमें तत्काल बोलने का वो दिया गया। लेकिन हम एक चीज बताना चाहते हैं कि जो घटनाएं घटित हुई है, इन घटनाओं के रोकने के लिए हम अभी स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करेंगे। एक संगठन की तरफ से, एक प्रदेश महामंत्री होने के नाते, हम उनसे स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि शहडोल जिले का ये मामला, ये गंभीर मामला है, इस गंभीर मामले पे आप विचार करें। वहां पर जाके वहां के अधिकारियों को सख्त निर्देश दें, जिससे ऐसी घटना, अगर जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, जो हमारे सुनील सराफ जी जो बोल रहे हैं, तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी तत्काल उसके लिए अधिकारियों को यहाँ से हिदायत दें, यहाँ से निर्देश जारी करें। दूसरी बात, आपने कहा कि कलेक्टर SP थे और आपकी सरकार थी, तो हम आपको, सुनील सराफ जी, आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारी टीम में भी आप रहे हैं, टीम में विधानसभा की समिति में भी हमारे साथी भाई बन के रहे हैं, हम अनूपपुर जिले के प्रभारी मंत्री भी रहे हैं, हमें पता है उस एरिया में गरीब वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चलाई हैं, उसका लाभ भी मिल रहा है। लेकिन एक चीज और बताना चाहते हैं कि कलेक्टर और SP किसके होते हैं? जिसकी पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है। लेकिन हमारे मत के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कभी सौतीला व्यवहार नहीं करते, क्या वो कांग्रेस? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने गला बचाने के लिए कलेक्टर की, SP की बलि चढ़ा दें, CMHO की बलि चढ़ा दें, वो नहीं। हरिशंकर जी, हम ये चाह रहे हैं कि 11 के बाद बारवा, देखिए जब 6 बच्चों की मौत हुई, आनन फानन में मीटिंग हो गई, भोपाल में सब चीजें हो गई, हमें लगा कि शायद स्थितियां सुधर जाएंगी, लेकिन फिर एक एक करके 5 बच्चों की मौत। एक कमेंट में रवि जी का ले रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं सुनील जी। रवि जी, ये स्थितियां लगातार बनी हुई हैं, पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है शहडोल में, ठंड वजह है, निमोनिया वजह, कुपोषण वजह, वजह चाहे जो हो, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस मामले में मेडिकल स्टाफ की कोई गलती, लापरवाही नहीं है, जैसी क्लीन चिट पहले जबलपुर की मेडिकल टीम दे चुकी है? दीपेश जी, मैं एक जानकारी दुरुस्त कर दूं, मुझे अभी अभी जानकारी मिली है कि 12वां बच्चा भी जो है वो खत्म हो गया है वहाँ पर। एक प्री मैच्योर बच्चा 6 महीने का आया था, उसको नहीं बचाया जा सका पिछले 24 घंटे में। इस तरह अभी तक 12 मौतें हैं वहाँ पर हो चुकी हैं। और हेलो रवि जी, मुझे आपकी आवाज आ रही, बोलिए आप। 12 बच्चों की मौत हो चुकी है दीपेश जी अभी तक वहाँ पर, और ज्यादातर जो बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है वो सब निमोनिया से ग्रसित पाए गए हैं। और हालांकि ये नहीं कहा जा सकता, देखिए जिला अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में भर्रासाई से इनकार नहीं किया जा सकता, ये स्थिति राजधानी में भी है, ये दूरस्थ अंचलों के जिलों में अस्पतालों में भी ये स्थिति बनी हुई है। और शहडोल आदिवासी जिला है और खास करके वहाँ पर आदिवासी, वहाँ पे कुपोषण की समस्या भी बड़ी मात्रा में है, तो निश्चित तौर पर ये जो बच्चे आए हैं ये वही निमोनिया से या कुपोषण से पीड़ित रहे हैं। और दूसरी तरफ इसमें एक जो बड़ी नेग्लिजेंसी सामने आई है वो ये है कि जो आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता हैं उन्होंने सही समय पर बच्चों को अस्पताल पहुंचाने का काम नहीं किया। अगर वो शुरुआत में इन बच्चों को अस्पताल पहुंचा देते थे तो संभव था कि चिकित्सक जो है अपना जो प्रयास करते तो उन बच्चों को बचाया जा सकता था, लेकिन ये स्थिति भी एक सामने आई है। जहां तक अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात है दीपेश जी, तो अभी वहां पर 3 वेंटिलेटर और बढ़ाए गए हैं, पहले 4 वेंटिलेटर थे, अब 7 वेंटिलेटर हो गए हैं,
4 नए बार्मर भी खरीदने की बात वहां के सीएमएचओ कर रहे हैं, लेकिन जब आग लगने पे कुआं खोदने वाली बात है ये, तो इस तरह की स्थितियां पहले से ही व्यवस्थाएं जो होना चाहिए, जब आपको पता है कि आदिवासी बहुल जिला है वहाँ पे जागरूकता की जरूरत है कि ताकि बच्चे कुपोषित हों या निमोनिया से पीड़ित हों तो उन्हें तत्काल अस्पताल लेके आए, लेकिन ये तमाम जो लेक्युना है इनकी वजह से ही ये स्थितियां निर्मित होती हैं, चाहे वो शहडोल या कोई अन्य जिला हो। अभी जैसे कि विधायक जी भी कह रहे थे कि जनवरी 20 में जब 6 बच्चों की मौत हुई थी तो सरकार ने तत्काल कदम उठाए थे, लेकिन इस तरह की स्थितियां पहले से होना चाहिए कि व्यवस्थाएं पहले से हों ताकि बच्चों को बचाया जा सके, इस तरह की स्थितियां ही निर्मित नहीं हो। अभी वहां पर दीपेश जी देखिए कि वहां पर हेलो हाँ वहाँ पर बिस्तरों की भी बड़ी संख्या में कमी की बात सामने आई है, एक बिस्तर पे दो दो तीन तीन बच्चों का इलाज किया जा रहा है। अब इस तरह की स्थितियां अगर होंगी तो निश्चित तौर पर कैसा इलाज हो रहा होगा ये आप हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और अगर इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया, सरकार कोई भी हो ठीक है, नेता मतलब विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस ने अपना काम किया, 4 सदस्यीय एक जांच दल बना दिया, उनमें 2 विधायक उनमें से सुनील सराफ जी भी हैं, एक विजय राघवेंद्र सिंह जी है और अनूपपुर और शहडोल के जिला अध्यक्ष हैं वहां पर कांग्रेस के, तो ये अपना काम करेंगे, ये वहां जो स्थिति है वो लाके नेता प्रतिपक्ष को रिपोर्ट देंगे, लेकिन जो बस वही जो लेकिन है इसके बाद का मैं यही लेकिन लेकर जा रहा हूँ सुनील जी के पास में। सुनील जी देखिए उज्जैन में जहरीली शराब से मौत होती है, कमलनाथ जी कमेटी बना देते हैं, वो जांच रिपोर्ट क्या हुई नहीं हुई क्या हुआ पता नहीं, इसके पहले ऐसी 2 मामले और सामने आ चुके जब कमलनाथ जी ने कमेटी बना दी थी, उन जांच रिपोर्ट का क्या हुआ, ऐसी हम क्या उम्मीद करें, आपकी भी कमेटी बना दी वो रिपोर्ट आप कहाँ ले जाएंगे, उस रिपोर्ट का क्या मतलब है, क्या उसका औचित्य है क्या, फिर उसका महत्व क्या है, ये बताइए मुझे सुनील जी। बहुत सही सवाल किया आपने, बहुत सही सवाल किया, आपके सवाल का जवाब देता हूं। इसके पहले बता दूं कि जब खटीक जी बोल रहे थे तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी, तो उनका जवाब भी मैं नहीं सुन पाया। हाँ हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि हम जो जांच रिपोर्ट है उसको कहां रखेंगे। देखिए आज की तारीख में प्रजातंत्र खत्म हो चुका है, एक विधायक के पास सर्वोच्च सदन होता है विधानसभा, जब वो अपनी बात लेकर रखता है वहां एक लड़ाई लड़ता है, अपने क्षेत्र की जनता के लिए न्याय मांगता है या विकास मांगता है। अब विधानसभाएं तो होती नहीं है, 3 दिन के लिए आहूत की जाती है, 1 दिन में अपनी खाना पूर्ति जो बिल पास कराने हैं पास करा के विधानसभा बंद। तो बात तो सही है कि अब हम कहां जाएंगे उस रिपोर्ट को लेकर के, हमारे पास अब बचता है सड़क, विपक्ष के पास अब क्या है, धरना प्रदर्शन आंदोलन। हमने अभी 6 बच्चों के मौत के बाद हमारे कांग्रेस के लोगों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया, ठीक है हम वही कर सकते हैं। मुझे लगता है ये रिपोर्ट भी ले जा करके हम विधानसभा के बाहर बैठेंगे कि लोगों को न्याय चाहिए। बाकी एक विधायक, इन्होंने विधानसभा ही खत्म कर दिया तो विधायक की ताकत कहां रह गई, विधायक किस मंच पे आवाज उठाएगा। जी जी बिल्कुल, लेकिन हम ये चाहते हैं सुनील जी कि अगर आप जा ही रहे हैं तो केवल यहां केवल आदिवासी शहडोल नहीं है, झाबुआ अलीराजपुर से बहुत सारे जिले हैं, अब जहां घटना हो केवल वहीं की नहीं, हम ये चाहते कि अगर वाकई आप जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते काम कर रहे हैं पूरी एक एक चीज का उसमें ब्यौरा हो कि कितने बेड थे, किन स्थितियों में या किस हालत में बच्चे लाए जाते हैं, वो ग्रामीण और तहसील स्तर पर क्या होता है स्थितियां, क्योंकि अकेले ये नहीं हो सकता कि जिला अस्पताल के माथे सारा दोष डाल दिया जाए, हो सकता है ग्रामीण स्तर पर इतनी खराब हालत हो जाती हो जो हम आज तक नहीं सुधार पाए, जिन व्यवस्थाओं को शायद उन वजह से मौतें हो रही हैं, या फिर जो मेडिकल स्टाफ है जिसको क्लीन चिट मिल गई क्या उस वजह से मौतें हो रही हैं, क्या कुपोषण जो एक बड़ा बदनुमा दाग है आखिर उसमें कहां भ्रष्टाचार हो रहा है ना, क्योंकि उस वजह से बच्चे, अब देखिए प्री मेच्योर आज एक और बच्चे की डेथ हो गई, तो हम चाहते हैं कि बहुत एक विस्तृत अगर आप जांच करने जा रहे हैं तो वो बड़ी रिपोर्ट आए, और हमें लगता है विपक्ष सत्ता पक्ष को भी देखना चाहिए कि अगर आप कोई गलत रिपोर्ट लेकर आए तो वो भी जनता के सामने, और सही रिपोर्ट हो तो सत्ता पक्ष को उसको स्वीकार करना चाहिए। हरिशंकर जी विपक्ष देखिए आप क्या जांच करवाएंगे नहीं करवाएंगे हमें नहीं पता, और हमें लगता है कि जांच करवाना चाहिए ऐसे मामलों की ताकि वस्तु स्थिति सामने हो, है ना, तो और अगर विपक्ष ऐसी रिपोर्ट ला रहा है क्या सत्ता पक्ष उसको कोई संज्ञान मिलेगा, क्या उस पर कोई गंभीरता से, देखिए दोनों पहिए होते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष, उन्हीं से कोई प्रदेश आगे बढ़ता है, अगर हम विपक्ष को बिल्कुल दरकिनार कर दें इग्नोर कर दें तो वैसे भी काम नहीं चलेगा, है ना, चुनाव जीतना अलग बात है, सरकार चलाना अलग बात होती है, जनता के प्रति जवाबदेही बिल्कुल अलग बात होती है। तो हरिशंकर जी आपको क्या लगता है कि ये जो जांच कमेटी है कांग्रेस की
ठीक है आप कह सकते हैं हम अपने स्तर पर करवाएंगे, तो हमें लगता है कि जनता के सामने वो जवाब आना चाहिए। मेडिकल कॉलेज की टीम जाती जबलपुर की, वो क्लीन चिट देकर आ जाती है, फिर साहब 5 बच्चों की और क्यों मौत हो गई, अभी तक स्वास्थ्य मंत्री नहीं गए, उस मामले में क्या करी बीजेपी सरकार। तो हरिशंकर जिस पर आप 2-3 सवाल हो गए, मेरा विस्तृत हो गया, थोड़ा सा जवाब आप दीजिए। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जो सुनील है सराज जी भाई हमारे, वो बोल रहे हैं कि प्रजातंत्र खत्म हो गया है। प्रजातंत्र बिल्कुल कहीं खत्म नहीं हुआ। हम सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, हम विपक्ष के लोगों का हम सम्मान करते हैं कि विपक्ष कोई चीज रखता है तो हमारे मुख्यमंत्री भी संवेदनशील है। ऐसा नहीं है कि वो सत्ता पक्ष की बात पूरी सुनते हो, वे विपक्ष की भी बात सुनते हैं। जहाँ जनहित के मुद्दे होते हैं वो और ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और इस मामले को भी वो संवेदनता के साथ लेंगे। लेकिन हमारा ये अनुरोध है कि जैसे अभी बच्चे कुपोषित वाली बात आई या निमोनिया वाली बात आई या कमजन के बच्चे हुए, तो इसके लिए हमारे महिला बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भी रहती है। उनकी जिम्मेवारी भी उसके साथ साथ होती है कि उन बच्चों के लिए जो बच्चे कमजोर होते हैं तो उन बच्चों के लिए भरण पोषण करने की व्यवस्था करें। वैसे तो आप सबको मालूम है कि मध्यप्रदेश की धरती में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संबल योजना बनाई थी। संबल योजना के माध्यम से वो बच्चे जो माँ के पेट में रहते हैं, ऐसी माँ को 4,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया था। और दूसरा वो इसके बाद जो बच्चा बाहर आता है तो बच्चा बाहर आने के बाद 12,000 रुपए ऐसी माँ को भी दिया जाता है जिससे माँ और बच्चा दोनों हिस्ट्रेस रहें और पर्याप्त उनको पौष्टिक आहार मिल सके। लेकिन 15 महीने सरकार कांग्रेस की रही और कांग्रेस की सरकार ने व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त कर दी थी। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन व्यवस्थाओं को संभालने में लगे हुए हैं। उसी समय बाद हमारी सरकार पूरी गति के साथ फॉर्म में काम करेगी और जो अधिकारी कर्मचारी लापरवाही करेगा उसको सजा देने का भी प्रावधान हमारे मुख्यमंत्री करते हैं, वो सजा देने का काम भी करेंगे। अभी आपने बात किया जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं डॉक्टर पूर्वान चौधरी जी, इस मामले में हम गंभीरतापूर्वक उनसे अभी बात करेंगे और बात करने के बाद जिसने भी गलत किया होगा, जिसने जो भी होगा उसकी जाँच भी की जाएगी और व्यवस्थाएं अच्छे से अच्छी हों, बच्चे स्पष्ट हों और जो बच्चे वहाँ पे शहडोल जैसी घटना आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे ऐसी स्थिति हो रही है तो उनको संभालने के लिए कि बच्चों की दर्दनाक मौत हो किसी प्रकार से बच्चे हर प्रकार से स्वस्थ रहे उसकी पूरी जिम्मेवारी के साथ में हम काम के लिए बोलेंगे। लेकिन कांग्रेस के उन मित्रों से हम बोलना चाहते हैं तो बोल रहे हैं कि हम कमेटी बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये रोटी फेंकने का काम नहीं करें। हमारी संवेदनशील सरकार है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी संवेदनशील है, हर प्रकार की व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए होंगे, उनने अधिकारियों को निर्देशित किया होगा। अगर अधिकारियों को निर्देश नहीं किया होगा तो हम अभी बोलेंगे। देखिए प्रभुराम जी का बयान आपने सुना होगा, क्या कह रहे हैं प्रभुराम जी, वो कह रहे हैं कि भाई ठंड बहुत पड़ रही है इसलिए निमोनिया की वजह से बच्चों की मौत हो गई। ये कौन सा, अब आप देखिए संवेदनशीलता की आपने बात कही, स्वास्थ्य मंत्री खुद डॉक्टर है अपने आप में और वो नेता बाद में पहले डॉक्टर हैं, अगर उनमें वो डॉक्टर का भाव होता अभी इस वक्त तो वो हमें लगता है बिना किसी का इंतजार किए वहाँ पहुँच जाते, जबकि उनके पास इतना बड़ा विभाग है, इतना अहम विभाग है, ठीक है, तो लेकिन वो नहीं गए अभी तक, तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं। सुनील जी वो कह रहे हैं कि भाई हम तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हरिशंकर भैया, पार्टी अपनी जगह है, ठीक है, आप भाजपा की तरफ से बैठे हैं, 11 घरों का चिराग बुझा है। कल मैं डिबेट कर रहा था INS 24 में सुकीर्ति जैन साहब के साथ, मानूंगा उन्हें मैं, भाजपा के होने के बाद भी उन्होंने हर बात को स्वीकारा कि ये गलती है, जबलपुर से जो जांच टीम गई उसने क्लीन चिट दिया, ये गलत है। मैं आपसे भी ऐसी अपेक्षा करता हूं, आप हमसे बड़े हैं, आप जैसा करेंगे हम लोग उसका अनुसरण करेंगे। देखिए आप किस संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, कौन सी संवेदनशीलता, 6 दिन में 11 बच्चों की मौत हो गई, कहां पे संवेदनशील है आप? लगातार बच्चों की मौत होती चली जा रही, कहां पे संवेदनशील है आप? शहडोल में बाहर से डॉक्टरों की टीम क्यों नहीं भेज रहे हैं? सिर्फ शहडोल बस में ठंडी पड़ रही है क्या? सिर्फ शहडोल अस्पताल में निमोनिया के मरीज आ रहे हैं क्या? क्या ऐसा हो रहा है शहडोल में, कहां पे गड़बड़ी हो रही है, क्यों आप लोग नहीं देखा? आप संवेदनशील है, आप भोपाल में बैठ के आपके मुख्यमंत्री जी आपके स्वास्थ्य मंत्री जी बयान जारी कर देते हैं, संवेदनशीलता है आपकी? चौथे टर्म के आपकी सरकार है, अगर बच्चा कुपोषित आ रहा है, अगर बच्चा कुपोषित आ रहा है तो जी हरिशंकर जी बोलिए। इसके लिए हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि 15 महीने की जो अव्यवस्थाएं उन व्यवस्थाओं को सुधार करने में हमारी सरकार लगी हुई है। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जो कमलनाथ जी थे वो सिर्फ छिंदवाड़ा जिले के मुख्यमंत्री थे, मध्यप्रदेश के जिलों में छिंदवाड़ा को सजाने में लगे रहे, पूरे मध्यप्रदेश का पैसा, पूरे मध्यप्रदेश का बजट वही छिंदवाड़ा में खर्च होता रहा। उनको भी चिंता करना चाहिए, उनको चिंता करना चाहिए, अगर वो संवेदनशील थे तो ऐसी व्यवस्थाएं क्यों हुई? अनूपपुर जिले का हमने कोतमा और बिजूरी भी देखा है, जो विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव जीत के आते हैं वहाँ की व्यवस्था हमने संभाली थी, या हम वहाँ के प्रभारी मंत्री थे, आज हमारी सरकार है, फिर व्यवस्थाओं में सुधार हो जाएगा।
थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं कांग्रेस के कार्यकाल के आधार पर खराब हुई है, तो वो व्यवस्थाएं ठीक करने में हमारी सरकार लगी हुई है। आपके किए हुए पापों की सजा दूसरे लोगों को मिल रही है, हम नहीं चाहते कि आपके पापों की सजा किसी को मिले। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे मध्यप्रदेश के लिए व्यवस्थाओं में सुधार करने में लगे हुए हैं, और जल्दी से जल्दी वो दिन आएंगे जिसमें व्यवस्थाओं में सुधार होगा, और कांग्रेस जो रोटी सेंक रही है उसका रोटी सेंकना बंद हो जाएगा। चलिए, हमें लगता है कि बस आप मौका ना दें तो कांग्रेस की रोटियां भी नहीं सिकेंगी, वो चूल्हा बुझ जाएगा, लेकिन वो बुझ ही नहीं पा रहा, आग भड़कती जा रही। खैर रवि जी, एक कमेंट लास्ट आपका, भाई क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य ऐसा मामला है कि देखिए 365 दिन में 300 दिन बड़े अच्छे निकल जाए, लेकिन 65 दिन अगर कुछ ना कुछ होता है तो फिर पूरे महकमे पर सवाल उठते हैं। और ऐसे में ये जो शहडोल जिला अस्पताल का मामला है, उस पर क्या कहेंगे कि वाकई किस तरीके से व्यवस्थाएं सुधारी जानी चाहिए? केवल शहडोल पर देखिए, यूपी में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, वहाँ चमकी बुखार, वहाँ दिमागी बुखार, ये तमाम चीज़ें होती रही, वहाँ की सरकारों को जवाब देना बड़ा भारी पड़ा। ये स्थितियाँ एमपी में ना बन जाएं, इसके लिए फौरन से पेशतर वहाँ पर क्या होना चाहिए? देखिए मैं दीपक जी, मैं चूंकि मैं मौसम को लेकर पहले ही प्रधानमंत्री ने भी इस मामले में ताकीद कर चुके हैं कि भाई इन दिनों में जो है ठंड के मौसम में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इन दिनों में संक्रामक रोग भी फैलते हैं और निमोनिया और बाकी इस तरह की बीमारियां ही फैलती है। राज्य शासन भी इस तरह के अलर्ट पहले जारी करता है, लेकिन उसके बावजूद देखा यह जाता है कि जब इस तरह की स्थितियां निर्मित होती है तो जिला प्रशासन हाथ ऊंचे कर देता है और दोषारोपण किसी और पे हो जाता है। आपको ध्यान होगा दीपेश जी कि इसी कुपोषण को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हुए पिछले कार्यकाल की बात बता रहा हूँ मैं, वो कुपोषण को कलंक बता चुके हैं और ये कलंक अब तक बना हुआ है मध्य प्रदेश के ऊपर। यही स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी वो कई बार अफसोस जता चुके हैं, लेकिन अब तक वो दुरुस्त नहीं हो पा रही है। उसकी वजह यही है कि मैं एक बहुत बड़ी कमी पूरे सिस्टम में है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। जो चिकित्सकों की कमी है, हालांकि अब मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में बढ़े हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में इसमें सुधार होगा, और पैरामेडिकल स्टाफ में की भी जो पद का बड़ी संख्या में रिक्त है उन्हें भरने की जरूरत है। केवल एक दो डॉक्टर को दोष देने से जो है वो समस्या का निराकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखा यह गया है कि काम का प्रेशर अस्पतालों में ज्यादा है और उसके अनुपात में जो है वो उतने हैंड्स नहीं है, वहाँ पे लोगों को सेवा संभाल करने वाले लोग नहीं है, इसकी वजह से भी ये स्थितियाँ निर्मित होती है। तो पूरी एक व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है, तब जाकर इस तरह की स्थितियाँ जो है चेंज होंगी। से मुक्त होना चाहिए रवि जी, नहीं लगता आपको? स्वास्थ्य के महकमे को तो कम से कम, मतलब वैसे तो सभी भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, लेकिन ये लोगों की जान से जुड़ा सीधा सीधा मामला है कि 300 रुपए हैं घर में और अगर दवाई नहीं दे पा रहे तो क्या, मतलब सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए यहाँ पर उन लोगों से कि भाई आपने कैसे दवाई मंगवाई, नहीं थी दवाई तो क्या वो बजट कहाँ था, कितना था, मतलब एक बात ये जानना चाहते हैं कि भाई जब ऐसे मामले सामने आते तब तो परतें खुलने लगती हैं, उसके बाद फिर सब वो ठंडे बस्ते में कि वो यार भ्रष्टाचार होने लगता है, तो ये जो जड़ें जम गई हैं कैसे इसको खत्म किया जा सकता है? दीपक जी देखिए, भांग पूरे कुएं में घुली हुई है। मुख्यमंत्री जी माफिया को के कार्रवाई करने की बात करते हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ इस दिशा में भी कार्रवाई करने की जरूरत है। जो भ्रष्टाचार निचले स्तर तक पहुंच गया है कि बिना वहाँ पर मानवीयता भी जो है वो अनदेखी की जाती है उसकी, तो निश्चित तौर पर इसमें सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। इस तरह के मामले जब भी आते हैं, जब तक अगर आप इस तरह की नजीर पेश नहीं करेंगे, सख्त कार्रवाई की नजीर पेश नहीं होगी, तब तक इस तरह की कुछ होना व्यवस्थाएं मेडिकल माफिया भी अब सरकार के निशाने पे होना चाहिए, या जो डॉक्टर्स हैं जो बिल्कुल दीपक है ना, देखिए मेडिकल माफिया बहुत बड़ा माफिया है, और अगर जब तक अगर आप इस पे प्रहार नहीं करेंगे तब तक समस्या का हल नहीं होना। ठीक है सुनील जी, लास्ट कमेंट, कब आपकी जांच शुरू हो जाएगी? कमेटी बनाया है कमलनाथ जी ने, अब चारों पांचों हम लोग जो कमेटी में हैं अभी बात करेंगे कि हम लोग कब जा सकते हैं। अगर पांचों उपलब्ध हैं तो कल ही चले जाएंगे, अगर नहीं उपलब्ध हैं तो कल शाम, मतलब जितनी जल्दी हो सके जी, जी, जी। जा करके वहां पर वस्तु स्थिति लेकर के और हम कमलनाथ जी को रिपोर्ट सौंपेंगे, आगे जैसा भी होगा जी। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सबको सद्बुद्धि दे। बिल्कुल, हमारे आदरणीय खटिक जी जो सिर्फ अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है सत्ता पक्ष जब तक अपने आप को ढकेगा, अरे निंदक मीरे राखिए आगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुना निर्बल करे, तो हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चुपचाप बैठे, मौत होती रहे हम चुपचाप बैठे रहे, हम कुछ करें तो राजनीति दिखती है। ठीक बात, क्या बात कर रहे हैं, चलिए भगवान इन्हें भी सद्बुद्धि दे।
ठीक है खटीक जी, लास्ट कमेंट आपका। भाई देखिए, मजबूत विपक्ष की बात तो आप भी करते हैं, अगर विपक्ष अपना काम कर रहा है तो हमें लगता है कि सत्ता पक्ष या तो मौका ना दे, और अगर मौका मिल गया विपक्ष को तो फिर वो जो चीज़ें सामने ला रहा है, अगर हो सकता है वो सिस्टम में कोई खामी उजागर करे, तो हमें लगता है आपको सहयोग देना चाहिए। हम इनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, ये भी हमारा सहयोग करें। और दूसरा ये है कि अभी उन्होंने कहा कि वो क्या बोलते हैं सद्बुद्धि दें, तो हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस के वो भी भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, हमें सद्बुद्धि महायज्ञ ना उनके लिए करवाना पड़े, क्योंकि वो भी हमारे सब भाई लोग हैं। लेकिन हम एक चीज बोलना चाहते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी हमारे यहाँ पर आई है, ये कौन लेके आया था? माननीय कमलनाथ जी के कार्यकाल में यहाँ पर आई थी मतपेट में, आज भी जनता उससे जूझ रही है। कोरोना से मुक्ति पाने के लिए सरकार हर प्रकार से लगी हुई है। और ये दूसरी बात जो आपने शेड्यूल की बोली है, ये बात गंभीर भी है, इसको हम गंभीरता से लेते हैं। माननीय प्रथम से माननीय हमारे जो डॉक्टर पृथ्वीराम चौधरी जी से अभी बात करेंगे, आप डिबेट खत्म होने के बाद उनसे हर चीज पर बारीकी से नजर रखेंगे, उनसे बोलेंगे कि अगर आपने निर्देश नहीं दिए वहाँ पे तत्काल व्यवस्थाओं में सुधार के, तो आप व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए तत्काल निर्देश दीजिए। वैसे हमारे मुख्यमंत्री जी को हर चीज की चिंता रहती है, हर चीज उनके पास पहुंच गई होगी, लेकिन अब व्यवस्थाओं में सुधार होगा। जो घटनाएं हुई हैं, हम भगवान देखिए खटीक जी, हमारा मकसद कटघरे में खड़ा करना नहीं है किसी को, हमारा मकसद है कि व्यवस्थाओं में सुधार हो। और ये उम्मीद हम करते हैं जितनी संजीदगी से आपने इसमें चर्चा में भाग लिया, और सुनील सराफ जी ने भी जितने पॉजिटिव तरीके से कहा है कि भाई समस्याएं दूर होनी चाहिए, उनके क्षेत्र का मामला है, उम्मीद करते हैं हम कि ये व्यवस्थाएं वाकई सुधरें, जो अव्यवस्थाएं वो सुधरें और व्यवस्थाएं वहां पर बने कि 20 बेड पर 32 बच्चों को न रहना पड़े। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो 12 बच्चों की अब तक मौत हुई है उसके बाद कोई और घर का चिराग ना बुझे, कोई और मासूम काल कवलित ना हो। फिलहाल आज सवाल तो पूछेंगे में इतना ही, आप देखते रहिए DNN न्यूज़। नमस्कार।